उदाहरण चार। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। हल, यहाँ BC मीनार है, AE प्रेक्षक है और कोण CED उन्नयन कोण है तथा AB बराबर ED बराबर 25.6 मीटर, AE बराबर DB बराबर 1.4 मीटर। समकोण समकोण त्रिभुज CDE में 45 अंश बराबर 10 थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, तो हमारे पास लंब है DC और आधार है ED। तो 10.45 का मान होता है 1 बराबर DC के स्थान पर DC और ED हमारे पास है 25.6 मीटर। तिर्यक गुणा करेंगे तो DC का मान जो हो गया वो हो गया 25.6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई BD धन DC है। BD का मान हमारे पास है 1.4 जो कि प्रेक्षक की लंबाई है और DC जो है हमारा 25.6 मीटर हमने ज्ञात किया। इसका योग जो है 1.4 मीटर और 25.6 मीटर का योग 27 मीटर होता है। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि मीनार की ऊंचाई 27 मीटर है। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। नोट, यदि प्रेक्षक की ऊंचाई न दी गई हो तो प्रेक्षक को एक बिंदु मान लिया जाता है। फरीदा के घर के बाहर एक झंडा लगा हुआ है। देखिए आकृति 10। फरीदा इस झंडे के डंडे की लंबाई ज्ञात करना चाहती है। क्या झंडे को बिना निकाले डंडे की लंबाई का पता लगा सकते हैं? आइए देखें।